बायोलॉग फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 6 स्लो था, बट इसका मतलब ये नहीं कि इस एपिसोड की कोई वैल्यू ही नहीं है और कोई हिडन डिटेल कैरी नहीं करता। सॉलिड कनेक्शन था इसका आगे स्टोरी प्लॉटिंग में, जहां 3-4 इवेंट ऐसे हैं जो हिडन क्लूज रखते हैं और एंडिंग काफी मिस्टीरियस थी, तो एंडिंग एक्सप्लेन करते हैं और बाकी की हिडन डिटेल्स को भी डिकोड करते हैं। लेकिन उससे पहले एक लाइक के साथ सपोर्ट जरूर बनाए रखो ताकि मैं ऐसे ही ब्रेकडाउन थ्योरी बार बार लाता रहूं। शुरू करते हैं। एंडिंग की बात करें तो जो काफी मिस्टीरियस थी, ऑल्सो टाउन को डिकोड करने में हेल्प भी करती है, वो प्लेस जहां जेड घूमकर आ चुका है, जहां जेड ने पुराने सेटलमेंट्स देखे थे, एंशियंट स्टैचू एंड मजबूत वुडन हाउस, और वहीं उसने वो 3 लाल पत्थर भी देखे जो ट्रायंगुलर शेप में एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखे हुए हैं, जहां जेड को वो एक आंख वाला ब्लड ड्रिंकर बंदा भी देखने को मिलता है। बट वो अकेला नहीं है जिसने वो सब देखा है। टैबिथा ने रिवील किया कि बचपन में उसे एक नाइटमेयर बार बार आता था जहां वो इस जगह को देखती थी, बट क्वेश्चन इज दैट सब ठीक है, वो हाइड एंड सीक खेल रही है, लेकिन टैबिथा डर किससे रही है आखिर, क्योंकि मोमेंट दिन का ही है तो वो क्रिएचर होने से रहे, क्योंकि क्रिएचर्स दिन में नहीं निकलते हैं। कहीं टैबिथा ने भी वही वन आइट ब्लड ड्रिंकर को तो नहीं देखा? मे बी पॉसिबल है, हो सकता है। देखो अगर ऐसा है तो ये जिंदा मुर्दा दिखने का ये कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि एपिसोड 3 में यानी एपिसोड 3 में जब जेड को वो दिखा था तब वो कुछ कहना चाह रहा था और एक हिसाब से वो हेल्प ही मांग रहा था। दूसरी तरफ एल्जिन को जो मुर्दा लेडी दिखती है बार बार, वो भी उससे हेल्प ही मांग रही है। उधर आंकुई चिल्ड्रन यानी फ्रीकी चिल्ड्रन भी हेल्प ही मांग रहे हैं, वो भी सिर्फ जेड एंड टैबिथा को ही दिख रहे हैं। तो बाबा ये हेल्प मांगने वाली सिचुएशन कुछ ट्रिगर कर रही है, मतलब अगर इन सब की हेल्प कर दी जाएगी तो शायद इस टाउन से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है, जो शायद ये जगह यहाँ फंसे लोगों के ऐसे टेस्ट लेना चाह रही हो इस कर्स या फिर इस स्पेल को तोड़ने के लिए। दूसरा ये तो तय है कि टैबिथा और जेड नेक्स्ट एपिसोड में फिर से उसी जगह पर जरूर जाएंगे और मे बी पॉसिबल है वो वन नाइट ब्लड ड्रिंक कर दोनों को दिखेगा अगेन, और शायद ये लोग उससे बात भी करेंगे और वहां जाकर दोबारा कुछ ना कुछ क्लू तो ये ढूंढ ही लाएंगे। तो एंडिंग सॉलिड थी, काफी इंटरेस्टिंग थी, जो आगे स्टोरी में सॉलिड बिल्डअप भी देखे जाती है। दूसरा बॉटल ट्रीज की बात करें, जहां से ये पर्चियां मिली हैं, तो अगर ध्यान से देखोगे तब जो बॉटल ट्री यानी फर्स्ट ट्री है उसमें तो कागज की पर्चियां दिख रही हैं, बट द सेकंड ट्री जहां से पर्चियां मिली हैं वो कागज की नहीं है, लकड़ी की छाल की पर्चियां है। यानी सेकंड बॉटल ट्री काफी पुराना है, जिसमें मिरांडा से पहले जो लोग यहां फंसे थे उन्होंने शायद ये पर्चियां छोड़ी हो, जहां से बॉयड को वो 1864 लिखा हुआ पर्ची भी मिली थी। तो इसका मतलब 1864 के टाइम पर भी लोग यहां पर फंसे थे। बट जो फर्स्ट ट्री है यानी पोर्टल ट्री है, उसमें कागज की ही पर्चियां मिली हैं जो मिरांडा ने ही रखी होंगी। देखते हैं बाबा ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व होती है, इस पे नेक्स्ट एपिसोड से थोड़ा सा और डेटा मिलेगा तब हम अच्छे से डिकोड कर पाएंगे। फिलहाल ईधन कोशिश कर रहा है इस पजल को सॉल्व करने के लिए और डेफिनेटली ये लड़का कुछ ना कुछ क्लू ढूंढ ही लेगा। बाकी बाबा फातिमा जो अभी तक लग रहा था कि प्रेग्नेंट है और उस प्रेगनेंसी के कारण ये जो इविल थिंग्स कर रही थी, बट वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं है क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, या तो हो सकता है कि इविल किड होने की वजह से अल्ट्रासाउंड मशीन इसे डिटेक्ट ना कर पा रही हो, या फिर फातिमा की बॉडी नरभक्षी बन गई है जिसने खुद ही उसके बेबी को मार दिया हो और कंज्यूम कर लिया हो। खैर ये तो तय है कि फातिमा इविल क्रिएचर में कन्वर्ट होगी। दूसरा जो एल्जिन को मुर्दा लेडी दिख रही है वो फातिमा के फोटो में भी दिखी, तो कहीं ये मुर्दा लेडी फातिमा ही तो नहीं है आगे जाकर जो एक्चुअली हेल्प मांग रही हो ताकि फातिमा इस डिजास्टर चेंज से बच जाए। तो ये सॉलिड प्लॉट है, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस पार्ट। बाकी रैंडल की थ्योरी मेकर ने कतई बदल दी है, रैंडल रिकवर कर रहा है और जिस पॉइंट पर वो खड़ा है इतना डरावना एक्सपीरियंस के साथ, जहां उसे टाउन वालों के साथ तो अनबन है ही है, लेकिन वो अपना गुस्सा अब उन क्रिएचर पर भी भरपूर निकालेगा जो मे बी एज हंटर का कैरेक्टर आगे जाकर देखने को मिल सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली रैंडल को जूली भी ज्वाइन करेगी और ये क्रिएचर हंटिंग जोड़ी देखने को मिल सकती है आगे जाकर, सॉलिड चांस। बाकी उस टनल से जेस्पर को विक्टर और हेनरी लेकर आ गए हैं, जहां उन्होंने एक लेडी को देखा और हमने पहले भी देखा था कि टनल के अंदर जो क्रिएचर सोते हैं वो अपने एक्चुअल रूप में ही सोते हैं यानी क्रिएचर रूप में, तो ये लेडी कौन हो सकती है? दूसरा मिरांडा का कपड़ा भी मिला है, तो मे बी मिरांडा भी क्रिएचर में कन्वर्ट हो गई हो, लेकिन आई एम एक्साइटेड कि जेस्पर साला बात कैसे करेगा विक्टर से, जिसके लिए इतना रिस्क लिया उस खिलौने के लिए, उस भद्दे पुतले के लिए टनल के अंदर जाकर रिस्क लिया। और यस अगर जेस्पर बात करेगा तो ये इस जगह को डिकोड करने में कुछ क्लू भी छोड़ देगा। तो भाई बहुत सवाल है, बहुत थ्योरी छोड़ के जाता है ये एपिसोड, जिसमें से कुछ सवाल हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएंगे, बाकी के कुछ के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ कुछ ऐसे क्लू जरूर मिल जाएंगे जो इस गुत्थी को सुलझाने में और भी मदद कर सकते हैं। कैसा लगा ब्रेकडाउन बाबा, नीचे जरूर कमेंट बॉक्स पर बता के जाना। आपको आपने भी एपिसोड 6 देख लिया है तो आपको क्या समझ में आया है, कैसा लगा एक्सपीरियंस तुम्हारा, जरूर बता के जाना आपके हिसाब से। और क्या स्टोरी बन सकती है, क्या क्लू छूट रहा है, जरूर बता के जाना, मेंशन करना, उस पर भी बात कर लेंगे आगे जाके किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यहाँ लगाते हैं विराम, मिलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।